Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about some important books and concepts by Indian thinkers. तो इस वीडियो में हम भारतीय समाजशास्त्रियों ने जो पुस्तकें लिखी हैं और अवधारणाएँ दी हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सिर्फ उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है फॉर मैनी एग्ज़ाम्स. ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड अपनी तैयारी इसी तरीके से प्रिपरेशन को करते रहिए. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. तो आप सभी देख सकते हैं हमारे पहले थिंकर, हमारे पहले भारतीय समाजशास्त्री जिनके बारे में हम जिनकी प्रमुख कृतियों के बारे में और अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले जो हैं वो हैं हमारे डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी. ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं. राधा कमल मुखर्जी ने लिखी थी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ एंड डायनामिक्स ऑफ मॉरल्स. देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितना इसमें मैंने बताया है उतने ही उन्होंने लिखी हैं, इसके अलावा भी उन्होंने कई ज़्यादा पुस्तकें लिखी होंगी, अवधारणाएं दी होंगी. पर इसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, उनको यहाँ पर कवर किया गया है. तो एक तरीके से ये एक रैपिड रिविज़न होगा. ठीक है, पर ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ यही है, इसके अलावा भी और हैं, बट इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट वन बताई गई हैं. तो राधा कमल मुखर्जी ने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ बुक लिखी थी, डायनामिक्स ऑफ मॉरल्स लिखी थी. अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो मुखर्जी ने अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत दिया था, इम्पॉर्टेंट है. मूल्यों की संरचना दी थी और मास्टर साइंस महाविज्ञान के बारे में बताया था. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जी एस घूरे से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं. तो इनकी प्रमुख कृति जो आ जाती है वो है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन. ये जो इनकी कृति है ये अक्सर पूछी गई है, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी लिखी है. मैं आपको फिर से बता दूं, ये सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट वन है जो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ. अवधारणाओं देख ले तो जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया था इन्होंने, राजनीतिक सिद्धांत दिया था, भारत की प्रजातियों और जातियों का विस्तृत अध्ययन, ये सारी की सारी चीज़ें जी एस घूरे से रिलेटेड है. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मजूमदार एवं मदान. मजूमदार और मदान ने प्रमुख कृतियाँ दी थी, जैसे एन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, रेसिस एंड कल्चर ऑफ इंडिया. एंड इनके जो प्रमुख विचार थे वो थे कि भारत की प्रजातियों एवं जनजातियों का विस्तृत अध्ययन. मजूमदार और मदान की जो बुक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड रेसिस एंड कल्चर ऑफ इंडिया. ठीक है, ये सिर्फ मजूमदार ने लिखी है. प्रमुख विचार देखें तो भारत की प्रजातियों पर और जनजातियों का बहुत विस्तृत अध्ययन किया गया है मजूमदार द्वारा. नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे थिंकर जो कि हैं के एम कपाड़िया की कृतियों को देखते हैं, उनकी बुक्स देखते हैं. मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, बहुत इम्पॉर्टेंट, हिंदू किनशिप. प्रमुख कार्य इनका क्या था, भारतीय सामाजिक संस्थाओं का उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन किया था. जितनी भी भारत की सामाजिक संस्थाएँ हैं उनका ऐतिहासिक अध्ययन किया गया था के एम कपाड़िया द्वारा. आगे बढ़ते हैं डॉक्टर एम एन श्रीनिवास जो हैं उनकी प्रमुख बुक्स हैं रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रुक्स ऑफ साउथ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक. सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडियाज विलेजेस, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, ये कुछ बुक्स थी श्रीनिवास की. अब उनकी कुछ अवधारणाओं को हम यहाँ पर देख लेते हैं. श्रीनिवास की अवधारणाओं में आ जाता है हमारे प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट, जिसे हम डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ब्राह्मीकरण, लौकिकीकरण. ठीक है, आगे बढ़ते हैं श्यामाचरण दुबे, एससी दुबे, जिनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, एन इंडियन विलेज, मानव और संस्कृति. प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या था इनका, ग्रामीण एवं जनजातीय अध्ययनों के लिए वो बहुत ही विख्यात थे. ज़्यादातर दुबे ने ग्रामीण और जनजातीय अध्ययन किए हैं. आगे आ जाते हैं हमारे एआर देसाई जो कि हमारे मार्क्सवादी हैं, एआर देसाई, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन. एआर देसाई की कौन सी कृतियाँ हैं, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन. प्रमुख कार्य देख लेते हैं, उनके प्रमुख कार्य हैं ग्रामीण समाजों एवं भारतीय राष्ट्रवाद के समाजशास्त्रीय अध्ययन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया है.
ठीक है, देसाई ने ग्रामीण समाज और भारतीय राष्ट्रवाद में के रूप में इन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफेसर डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी की प्रमुख कृतियाँ हो जाती हैं डाइवर्सिटी और मॉडर्न इंडियन कल्चर। ठीक है, डाइवर्सिटी, मॉडर्न इंडियन कल्चर इनकी बुक्स हैं। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, ये भी इनकी क्या है, एक बुक है। नेक्स्ट है डॉक्टर पी एच प्रभु। पी एच प्रभु की प्रमुख कृति जो अक्सर पूछी जाती है वो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आगे आ जाते हैं हमारी इरावती कारवे। इरावती कारवे की इम्पॉर्टेंट बुक्स हो जाती है किनसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इनका जो प्रमुख कार्यक्षेत्र है भारत में, इन्होंने बंधुत्व मतलब किनशिप व्यवस्था का सूक्ष्म विश्लेषण किया था, फोर्थ रीजन में डिवाइड कर दिया था इंडिया को। ठीक है, कौन कौन से वो भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने नॉर्थ में बांटा था, साउथ में और ईस्ट में, वेस्ट को उन्होंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर चौहान। बी आर चौहान की प्रमुख कृति है हमारी राजस्थान विलेज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह की प्रमुख कृति है जो पूछी जाती है मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। नेक्स्ट प्रमुख कार्यक्षेत्र था इनका भारतीय समाज संस्थाओं तथा परिवर्तन की प्रक्रियाओं का व्यापक अध्ययन। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड अवधारणाएं जो कि सीधे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एक एज अ रिविज़न देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखने हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी कई कई सारी बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन पर्टिकुलर थिंकर्स से रिलेटेड हैं, बट अगर आपको ये एक रैपिड रिवीजन की तरह लेना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को लाया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें एंड अपनी प्रिपरेशन को चालू रखें।